हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कुछ नए नए, देखिए कुछ कम रेट वाले चॉकलेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे, देखिए यहाँ चॉकलेट है, सब में अच्छा खासा मुनाफा है। तो इस वीडियो में हम इन सारे चॉकलेट के होलसेल रेट के बारे में बात करेंगे, एक चॉकलेट में कितना पीस आता है और इसमें कितना मुनाफा है, सभी के जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये एक रुपया का चॉकलेट है, देखिए ये चोको मिल्क कैंडी जो कंपनी का है, इसमें 220 पीस का जार आता है। ये होलसेल में आपको सिर्फ 120 रुपये में कीना पड़ेगा, मतलब 120 में ख़रीदना है और 220 पीस है, 220 आपका बिक्री होगा, मतलब एक जार में आपको 100 रुपया मुनाफा हो रहा है। फिर ये देखिए इक्लियर्स, इसमें भी 220 पीस है, कैंडी जो कंपनी का है, 120 रुपया इसका कीना है। ये भी देखिए ये मेको कंपनी का चॉकलेट है, देखिए नारियल मिठाई, इसमें भी 220 पीस है, मतलब कि यहाँ जितने भी चॉकलेट है देखिए इसमें 220 पीस है, 200 और 20 पीस फ्री, सब में 220 पीस है। देखिए यहाँ भी 220 पीस, इन सभी का देखिए इसमें अलग अलग फ्लेवर का है। यह संजय कंपनी का है, यहाँ हमारे पास टोटल तीन चार कंपनी का है। देखिए ये संजय कंपनी का है, ये बेंगोली बाबा का है, ये कैंडी जॉय का है, ये भी बेंगोली बाबा का, और इसमें आ गया और ये माइक्रो और मेको कंपनी का है। तो देखिए इन सभी का रेट सेम ही है, इन सभी को देखिए यहाँ सब में 220 पीस है। यहाँ देखिए फंटा, ये बेल्टी इमली, ये क्रांच, ये रेनबो, इसमें देखिए मैंगो या एक्लियर्स, इन सभी में 220 पीस है और इसका होलसेल प्राइस है। आप इस तरह का एक जार अगर किसी भी होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको 120 रुपया में कीना पड़ता है और 220 रुपया इसका रिटेल बिक्री है, मतलब एक जार में आपको 100 रुपीज़ मुनाफा हो रहा है सभी में। और अगर ये इन जो चॉकलेट है सभी का एक कार्टन में 16,000 का एक कार्टन आता है, अगर आप किसी भी बड़े होलसेलर से, नहीं तो जो एजेंसी टाइप का है उन लोगों से अगर आप ये सब अगर होलसेल में ख़रीदते हैं, 16,000 का एक कार्टन आता है, तो एक कार्टन ख़रीदने पर आपको 1600 रुपया पड़ता है कार्टन, मतलब एक जार आपको 100 रुपया में कीना पड़ रहा है। तो अगर आप होलसेल दुकानदार हैं तो आप बड़े होलसेलर से 100 में कार्टन ख़रीदने पर 100 रुपया कीना होगा और 120 रुपया में आप किसी भी रिटेल दुकानदार को बेच सकते हैं और उन लोगों का 120 में ख़रीदेंगे और 220 रुपया उनका बिक्री होगा। फिर देखिए यहाँ है कप शॉप, बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, देखिए कप शॉप, इसमें देखिए टोटल 60 पीस है, ये 5 रुपये का चॉकलेट है, इसमें टोटल 60 पीस है, 5 रुपया करके बिकते हैं और इसका होलसेल प्राइस है, अगर किसी भी होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 220 रुपया में कीना पड़ता है और 300 में रिटेल बिक्री होगा, मतलब एक जार में आपको इस टाइप का एक जार में आपको 80 रुपया मुनाफा हो रहा है। और ये अगर किसी भी बड़े होलसेलर से आप कार्टन ख़रीदते हैं तो कार्टन ख़रीदने में ये आपको 190 पड़ता है, और 190 से आप ख़रीदेंगे और होलसेल में 220 रुपया बेचेंगे तो आपको 30 रुपया एक जार में 30 रुपया मुनाफा हो रहा है और रिटेल दुकानदार को 70 रुपया मुनाफा हो रहा है। फिर देखिए यह है मधुर कंपनी का है रोज़ लॉलीपॉप, ये भी 5 रुपये का लॉलीपॉप है, देखिए यह लड़कियों काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए ये इसमें गैपिंग लाभ बहुत कम है, देखिए इसमें 24 पीस का एक बांडिल आता है, एक बॉक्स आता है और 5 रुपया करके बिकते हैं और होलसेल दुकानदार इसको 100 रुपीज़ में बेचते हैं, आपको होलसेल दुकान से 100 रुपीज़ में कीना पड़ेगा और 120 रुपया आपका रिटेल बिक्री होगा, मतलब एक बॉक्स में आपको 20 रुपया मुनाफा हो रहा है। और ये कार्टन ख़रीदने में आपको 92 आटेनी करके कीना पड़ता है, मतलब होलसेल में बेचने पर 7.5 रुपया एक बॉक्स में प्रॉफिट होता है। फिर देखिए ये चोको पाई, इसमें देखिए अलग अलग फ्लेवर का आ जाता है, ये है स्ट्रॉबेरी, ये है मैंगो और ये वाला है देखिए इसका क्या फ्लेवर है हमको भी नहीं पता। तो इसमें हमारे पास अभी 3 फ्लेवर का है, देखिए इसमें ये और ये दोनों अलग अलग है, ये स्ट्रॉबेरी है और ये हमको नहीं पता और ये मैंगो है, तो 3 फ्लेवर का है। देखिए ये 180 MRP का है, इसमें 18 पीस होता है, 10 रुपया करके बिकते हैं चोको पाई,
वो लोटी का चोकोपाई नहीं है, दूसरा है ओरिन का चोकोपाई। देखिए इसका रिटेल बिक्री है 180 रुपया, और होलसेल दुकान से ये आपको 150 रुपया में कीना पड़ेगा। और अगर आप कार्टन ख़रीदते हैं तो ये आपको 141 में कीना पड़ता है कार्टन लेने पर, और होलसेल दुकान से आप ख़रीदते हैं तो ये आपको 150 रुपया कीना पड़ता है, और रिटेल में 180 रुपया इसका बिक्री होता है। फिर देखिए ये है फ्रेश फ्रूट, और जो सेंटर फ्रूट जैसा है। देखिए इसका MRP है 150 रुपया, इसमें 150 पीस है, ये कम रेट वाला है। देखिए फ्रेश फ्रूट ये बिल्कुल सेंटर फ्रूट जैसा, तो इसमें 150 पीस है, रिटेल में बेचने पर आपको 150 रुपये बिक्री हो रहा है। या अगर आप होलसेल दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 90 रुपीज़ में, इस टाइप का एक जार 90 रुपीज़ में कीना पड़ता है, मतलब एक जार में आपको 60 रुपया मुनाफा हो रहा है। फिर देखिए है जॉग चॉकलेट। देखिए ये पानी पीने के लिए जो जग होते हैं उन टाइप का चॉकलेट, इसमें अंदर चॉकलेट है। देखिए इसका MRP है 150 रुपया, इसमें ये आठने का चॉकलेट है, इसमें अलग अलग कलर का जग मिल जाता है आपको फ्री में, ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, और ये देखिए रेड कलर का है। तो इसमें अठेने का चॉकलेट है, 300 पीस है, मतलब 150 रुपया आपका बिक्री हो रहा है। और होलसेलर दुकान से अगर आप ख़रीदते हैं तो ये आपको 100 रुपीज़ में कीना पड़ता है, मतलब एक जार में आपको 50 रुपया मुनाफा हो रहा है। और अगर बड़े होलसेलर से आप ये कार्टून ख़रीदते हैं तो ये आपको 90 में कीना पड़ जाता है। फिर देखिए ये बर्फ़ी। देखिए पीहू कंपनी का मिल्क पेड़ा है। देखिए इसमें 200 इसमें 50 पीस है, मतलब 250 MRP, और इसका अगर आप होलसेल दुकान से ख़रीदते हैं तो 170 में ये आपको कीना पड़ता है, एक जार में 70 रुपीज़ आपको मुनाफा होता है। इसमें अलग अलग कलर का आ जाता है, तो अभी हमारे पास ये वाला है, सिर्फ एक पीस बचा है। फिर देखिए ये है कैंडी, ऑरेंज कैंडी। देखिए ये हम जब छोटे थे ये काफ़ी ज़्यादा खाते थे, बहुत चलता था ये, अभी ये इस टाइप का आ गया। देखिए इसमें है 160 पीस, रिटेल में 160 रुपया इसका बिक्री होता है, संडे कंपनी का है। और ये अगर आप होलसेल दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको 90 रुपीज़ कीना पड़ता है इस टाइप का एक जार, और मतलब इसमें एक जार बेचने पर, रिटेल बेचने पर 70 रुपया मुनाफा हो जाता है। फिर देखिए ये लॉलीपॉप, इसमें देखिए 150 MRP है, ये 5 रुपया का लॉलीपॉप है। देखिए पार्टी पॉप, पॉप्सी कंपनी का है, इसमें 30 पीस है, मतलब 150 रुपया इसका बिक्री है, रिटेल बिक्री। और ये अगर आप किसी भी होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 110 रुपया में कीना पड़ता है, मतलब एक जार में 5 रुपया करके बेचने पर एक जार में आपको 40 रुपया मुनाफा हो रहा है। फिर देखिए ये पेड़ा, ये देखिए 200 MRP का है, 40 पीस है, 5 रुपया करके बिक्री करने पर आपको 200 रुपया बिक्री हो रहा है। और ये होलसेलर दुकान से आप ख़रीदते हैं तो ये आपको 140 रुपया में कीना पड़ जाता है, मतलब 60 रुपया एक जार में मुनाफा हो रहा है। और ये जो सोन पापड़ी, इसका तो हमने वीडियो बनाया है। तो यही तक था आज का वीडियो, और नेक्स्ट टाइम पे और एक वीडियो बना के दिखाएंगे, और भी हमारे पास चॉकलेट का स्टॉक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही तक था आज का वीडियो, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चॉकलेट के वीडियो में मिलते हैं।